अब ये वो है जो अक्सर लोग कहते हैं कि मेंटोर, हम पूरे का पूरा सेशन अटेंड कर लेते हैं और हम पूछते हैं कि सर मेंटोर क्या है, व्हाट इज द मेंटोर। ये स्लाइड क्या इसलिए है कि मेंटोर आपको एम्पावर करता है, वो आपको सपोर्ट करता है क्या करने में, कि आप बेस्ट पॉसिबल अपनी लाइफ का देख सको, आपके आगे जो फ्यूचर है वो देख सको कि आपका आगे फ्यूचर क्या है। वो आपको उसका बिलीव देता है कि आपके जो भी टारगेट्स हैं, आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके लिए बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आपके पास कुछ टारगेट, आपके पास कुछ चैलेंज है तो आप कर सकते हैं, सिर्फ एक शख्स आपको रोक रहा है, एक ही शख्स आपको रोक रहा है और वही रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। उनके लिए वो कौन है, वो आप है, वो आप खुद हैं। अगर आप खुद नहीं चाहते तो फिर आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता, ये आपने कुछ सोचना। नेक्स्ट जी, अब ये वो क्वालिटीज हैं जो एक मेंटोर के अंदर होती हैं। वो जो मेंटोर ने अपनाई, अगर आप समझ, हम समझते हैं कि मेंटोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटोर एटीट्यूड या मेंटोर इज द बेस्ट पर्सन जो हमें बनना है या जो हमारा रोल मॉडल है या जो रवैये के लिए चैलेंज है, तो वो क्या करता है, वो करता क्या है सर, उसके अंदर होता है पैशन टू इंस्पायर। उसकी सोच ये होती है कि मैंने लोगों को कुछ देना है, मैंने भाई डिलीवर करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव देने का है लेने का नहीं है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझसे इस ये मेरा मकसद ही नहीं है कि मेरे पैसों की, मेरे रवैये या मेरी चीज़ों की आ क्या रहा है, मॉनेटरी टर्म मेरा कहीं दूर दूर तक नहीं है, मैंने इंसानियत से जुड़ना है और इंसानियत को इंस्पायर करना है और इंसानियत को लेकर चलना है। उसके पास और कोई सोच नहीं होती सिवाय इंसानियत से जुड़े रहने की और इंसानियत को सक्सेसफुल करने की। अर्ज टू हेल्प, वो ये हमेशा ये मौके तलाश करता है, वो ढूंढता है ये कि भाई मैं किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकता हूं, मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं, मेरे से किसी को फायदा कैसे पहुंचेगा, मैं कैसे किसी के काम आ सकता हूं, मैं कैसे किसी के लिए आसानियां पैदा कर सकता हूं, मैं कैसे बांट सकता हूं, मैं अपने जो अल्लाह ने मुझे दिया मैं उसमें से कैसे दे सकता हूं, मैं कैसे शेयर कर सकता हूं। वो हर लम्हे इस बात की अर्ज करता है और कहता है राइट है, उसे उसका एटीट्यूड ऑफिस बॉय हो या सीईओ हो, उसके एटीट्यूड में चेंज नहीं होगी, वो अपने रवैये पर कंसिस्टेंट है, उसमें कोई तफरीक नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी बाहर से और अंदर से और नहीं है, उसका बिहेवियर और उसका एटीट्यूड सेम है, मैच करता है, वो किसी फोरम पे भी है वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई नुमाइश नहीं है, वो हर एक के लिए वो राइट एटीट्यूड के साथ है, सही रवैये के साथ है। एक्सपेक्ट गुड, इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, एक्सपेक्ट गुड से बुरा है कि एक्सपेक्ट होप। कहते चमकती आंखों के साथ वही आदमी कुछ कर सकता है जिसे अपने रब पे पूरी उम्मीद है कि मैं जो कर रहा हूं इससे कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, इससे कुछ ना कुछ दूसरों को मिलेगा। जब दूसरों को मिलेगा तो मुझे ये बताएं क्या देने वाले को रब पीछे रखेगा, उसे अता की उसने दिया, उसको दिया तो उसने दिया, तो सर उम्मीद रखें, लोगों की जिंदगी में उम्मीद पैदा करें, लोगों को मोटिवेट पैदा करें, मोटिवेट करें, उनमें होप पैदा करें, और उम्मीद, उम्मीद पे ही सारी दुनिया कायम है, उम्मीद से ही सारी लोग चलते हैं। एक दहकान किसान अगर फसल बोता है तो उसे पता होता है कि मैंने तो बीज जमीन में बो दिया है और ये बड़ा होगा, और वो बड़ा होता है इसी उम्मीद पे। हम जब दुआ मांगते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि कोई ना कोई तो सुन रहा है, और वो सुन रहा है जो सबसे बड़ा है, वो देगा जो सबको दे रहा है और वो देता है। तो लोगों की जिंदगी में सर मेंटोर उम्मीद पैदा करता है, कैसे, हमेशा पॉजिटिव रहते हुए।
मेंटोर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, उसके साथ कोई भी बिहेवियर आप रखें, उसके साथ कुछ भी आप करें, उसके साथ कोई भी बड़े से बड़ा हादसा हो जाए, उसने हर हादसे को पहले पॉजिटिवली सोचे, पॉजिटिव एंगल से। जब पॉजिटिव एंगल से सोचेगा तो सारे हल निकलेंगे उसके। हम किसी के एक एक्शन को, जब भी हमारे साथ कोई अच्छा बुरा एक्शन होता है, हम अगर तो अच्छा हुआ तो वी आर पॉजिटिव, अगर बुरा हुआ तो हम पहले नेगेटिव देखते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहते हुए नेगेटिव को भी देखेंगे तो हमें चीज़ें पॉजिटिवली नेगेटिव तक पहुंचा देंगे कि यह गलत क्या था, तो हमारे पास फाइंडिंग और सोल्यूशन मौजूद होगा। जब हम पहले नेगेटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव को कहीं दूर ले जाएंगे, हमारा मसला बड़ा मसला बन जाएगा, हल नहीं होगा। अगर हल होगा तो टाइम एंड इमोशन स्टडी चेंज हो जाएगी, उसमें हमारी फ्रस्ट्रेशन और हमारा रवैया खराब हो जाएगा। जब रवैया खराब होगा तो फिर 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट वीक, ये एग्जाम्पल है जी मेंटोर की। वैसे तो बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, वासुफ अली वासुफ भी मेंटोर हैं, सूफी बरकत अली साहब बहुत बड़े मेंटोर थे। मेंटोर क्या कहता है, जब मेंटोर से पूछा गया कि कौन है मेंटोर, तो मेंटोर क्या कहता है, वो कहता है बड़ा आदमी वो है, बड़ा आदमी वो है जो खुद अपनी जिंदगी से इतना बड़ा फायदा नहीं उठा सकता जितना उसके इर्द गिर्द लोग उठा सकते हैं। और मैं अगर इश्फाक अहमद साहब और बानो कुसिया की एग्जांपल पेश करूं तो हुजूर वो कहते हैं हम शाम को अपना दर इसलिए खुला रखते थे, अपने घर का दरवाजा इसलिए खुला रखते थे कि कोई आए और हमारे साथ खाना खाए और हम भी खाएं। वो कहते थे अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है तो यार कोई ना कोई लंगर स्टार्ट करो। अब हमारे जैसे भी क्यों होते हैं, उन्होंने कहा सर लंगर हमारे पास तो इतना है ही तो हम लंगर, तो उन्होंने कहा लंगर रोटी खिलाना ही लंगर नहीं है, किसी को आसानी दे देना भी लंगर है, किसी के लिए आसानी पैदा कर देना भी लंगर है, किसी को सुन लेना भी लंगर है, किसी की खुशी में दाखिल हो जाना भी लंगर है। कि लंगर सिर्फ एक ही चीज नहीं, किसी के लिए उम्मीद बन जाना, एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी गाइडलाइन, किसी एक बच्चे की फीस, किसी एक बच्चे की कैरियर काउंसलिंग, किसी जरूरतमंद के लिए जरूरत पूरी कर देना। जैसे हम फीस वाला जॉब देते ना लोगों को कि चले कोई बंदा आता है कहते यार प्लीज उसको, मैं कल ही एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा, मैं मेरे ऑफिस में देखें जब भी अगर अल्लाह ने आपको अच्छे दोस्त दे उनको कोट भी करें उनको प्रमोट भी करें। हम सिर्फ अपनी वो M1, 2, 3, 4 की प्रमोशन के पीछे भाग रहे होते हैं, वो ठीक है खुशी वाली बात है, लेकिन जब अल्लाह ताला आपको अच्छे लोग अच्छे दोस्त दें तो उनको प्रमोट करें। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा इरफान साहब का, मेरे पास एक लड़का हेल्पर था, वो हमें चाय वाय पिलाता है, तो बस यही काम करता है। तो मैं आई वॉज हैप्पी, मैंने इनकी बात को कहीं और भी कोट किया कि कहते हैं कि यार क्यों ना इस बंदे की लाइफ में वैल्यू ऐड करने। जी आई डोंट नो, बिल्कुल होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, आपकी अच्छी सोच है, होना चाहिए। मैं नहीं सोच सका, आपने सोचा, लेकिन मैं हैप्पी हूँ आपके इस आइडिया से, बताएं हम क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आप इसको 2-3 घंटे के लिए स्पेयर कर सकते हैं। मैं कह रही मैं हाँ ये मैं कर दूँगा। तो कहते हैं हम इसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, हम इसको कोई मशीन ऑपरेटिंग सिखाएं, इसको कोई फन दें, इसको कोई टेक्निकल बनाएं। ऐसे चलते 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 ये कहाँ तक चला जाएगा, अगर इसके पास फन होगा वैल्यू ऐड होगी तो ज़िंदगी के किसी मुकाम पर पहुँच जाएगा। तो क्लैप फॉर द डांसर, मैं समझता हूँ इंसान और रवैया क्या कहता है, मेरे नबी ने क्या कहा कि रवैया सबसे पहले वो है जो आपके घर से स्टार्ट हो, और अपना सारा सबसे ज़्यादा टाइम हम ऑफिस में गुजारते हैं, उसके बाद शायद घर में गुजारते हैं, ऐसे ही क्यों है सर जी। तो अगर यहाँ पे जुड़े हुए लोगों को हम फ़ायदा नहीं दे सकते, घर में जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकते, तो हुज़ूर बाहर पोस्टर इश्तहार या फ्लैक्स या वो टीवी पे इश्तहार चलाने का कोई फ़र्क, ये चीज़ें उन लोगों से स्टार्ट होती हैं जो आपसे बेऐन ही जुड़े हुए हैं।
जो पहले आपके पास मौजूद हैं,